जो कि अभी शानदार ब्रेकआउट दिखा रहा है वो है HDFC AMC। हमने देखा कि आदित्य बिरला AMC जैसे काउंटर में भी एक अच्छा एक्शन था और OMC काउंटर्स जो हैं हाल फिलहाल थोड़े से बस जरूर कर रहे हैं। कुश, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड आप सुझाना चाहेंगे? हालांकि स्टॉक में ऑलरेडी 3% की तेजी है, पर मैं देख पा रही हूँ कि कई समय बाद डिसाइसिवली ये करीब 3800 के लेवल्स को, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको क्रॉस कर रहा है। क्या यहाँ पे कुछ भरोसा किया जाए इस मूव पे और कौन से टारगेट्स ध्यान में रखें? बिल्कुल सृष्टि, भरोसा कर सकते हैं इस मूव पे। देखिए, कारण ये है कि एक अच्छी सी रनअप देखी थी हमने। अगर मैं थोड़ा सा क्लॉक को डायल बैक करूं तो करीब करीब साल भर पहले स्टॉक हुआ करता था 1500-1600 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, और वहां से मोर देन डबल हुआ है ये स्टॉक। अब जो हम पिछले 1-2 महीने की इसमें पॉज देख रहे हैं, हम दैट इज मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन। तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है रनअप के बाद। अब स्टॉक फिर से अपने जो जो मोमेंटम है उसको गेन करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखें तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें आते हुए नजर आया, तो ये अपस्विंग है, ये यहाँ से फिर से रिज्यूम हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई पोजिशनल बेट लेना चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं 4050 के टारगेट के लिए, एंड देन इफ दैट इज टेकन आउट देन 4250 का लेवल जो है ये भी स्टॉक के लिए बिल्कुल लाइकली टारगेट है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 3700 के पास काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक को, तो 37-37.50 के जोन को आप एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, पोजिशनल टारगेट यहाँ पे आपके लिए 4050 एंड 4250 के होंगे। तो पोजिशनली HDFC AMC काफी पसंद आ रहा है, देखते ही देखते थोड़ी सी और इसमें तेजी जरूर बनी है। पर व्यू लेते हैं, एक व्यू चाहेंगे आपसे कुछ पेट्रोनेट LNG को लेकर। जरा शेयर चेक कीजिए, पेट्रोनेट LNG कैसा लग रहा है आपको ये? अभिषेक, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो रिकवरी हुई है, काफी काबिले तारीफ है। हालांकि एक छोटा सा कंसर्न है कि जो वॉल्यूम्स हैं ऑन दिस अपस्विंग वो थोड़े से थिन हो रहे हैं। वॉल्यूम्स थोड़े और बेहतर होते तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता, बट ओवरऑल मोमेंटम और ओवरऑल सेटअप जो देखें तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक ऊपरी लेवल्स के लिए रेडी है। एक ट्रेडिंग बेट यहाँ पे बिल्कुल ली जा सकती है 325 और 335 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीब 305 के आसपास। साथ ही साथ व्हाइल वी आर एट इट, अभिषेक एक अपडेट दे दूं, HFCL आज हमने सुबह डिस्कस किया था एज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ माय कॉल्स इन द मॉर्निंग, 101 और 104 के टारगेट्स के लिए। तो पहला टारगेट अचीव हुआ है, दूसरे टारगेट के तरफ स्टॉक हेड कर रहा है। तो जिन्होंने भी जो सुन के कॉल सुन के पोजीशन ली हो, अब 101 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के स्टॉक में बिल्कुल बने रहें। तो HFCL पे अगर आप देखें तो टारगेट 1 हिट हुआ है और टारगेट 2 के लिए अब स्टॉक रेडी हो चुका है। ठीक है, तो HFCL यहाँ पे पहला टारगेट कुछ का हिट भी हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5% की तेज़ी, और खुलते ही ये तेज़ी ने अपने आप को होल्ड किया, उसको बिल्ड ऑन कर रहा है। साथ ही साथ आप देखिए तो दूसरे टारगेट के लिए भी तैयार दिख रहा है।